हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। अगले दिन में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। सुबह की बज गए 10, मैं उठ गया हूँ और सीधा ही छत पे आ गए हैं क्योंकि मौसम देखना था हमने। वाओ यार, अब दिखाता हूँ तुम बर्फ के पहाड़। दिखे, ये दिखे ना, ये होते हैं बर्फ। धर्मशाला में कितनी बर्फ पड़ गई है, थोड़े दिन पहले नहीं दिख रहे थे ना भाई, इसे मतलब समझ रहे हो, फुल बर्फ पड़ चुकी है, ठंड इसलिए तो है। मैक्लोडगंज भाई, अभी गड़बड़ हो गई, दिल धक धक करने लग पड़ा, फ़ोन आईफोन छूट गया था, अभी हाथ से बच गया। पर भाइयों, क्या मौसम है पीछे, तो अब क्या करेंगे हम। हम तो अभी उठे हैं, ऐसा है गांव में दिन बिताए जा रहे हैं, और धर्मशाला भी जाना है, मैक्लोडगंज भी जाना है, चंबा भी जाना है, ढलौजी भी जाना है, और कहाँ जाना है, मसरूर टेंपल जाना है, बहुत जगह जाना है। तो जगहें तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं आया हूँ गांव, जब अभी मतलब गांव रह रहा हूँ ना, सबसे मिलेंगे, रिश्तेदारी में भी जाना है, और नवरात्रि ख़त्म होने तो उसके बाद सबसे मिलेंगे जुलेंगे, क्योंकि अभी मैं रोटी वगैरह वो सब खा नहीं सकता ना, व्रत रखे हुए। तो उसके बाद चंडीगढ़ जाऊंगा मैं। मींस मुद्दा क्या है कि अभी बहुत जगह जाना है, तो एक दो महीने नहीं, मतलब थोड़े दिन में यही हूँ, अभी कंटेंट और बढ़िया आएगा। ऑलराइट, तो हमारा जो छत का काम था, ये हमारा छत का काम यहाँ तक हो चुका है पूरा। हाँ जी मिस्त्री साहब, ये कब होएगा? ठीक है, कितने दिन और? ईंटें क्या करनी है ऊपर, दीवार बन रही है चारों तरफ, बाउंड्री? अच्छा अच्छा, वो पानी रोकने के लिए। तो काम चल रहा है, हमारी ये वाली टंकी खाली है यार, बड़े दिनों से ना पानी की बड़ी दिक्कत है, अब इसको टेंशन है भर की नहीं रही, सॉरी खाली पड़ी है, बहुत टाइम लेगा ये। और यहाँ पे पानी का भी सिस्टम अलग ही होता है। केवल पानी कितने दिन आता है यहाँ, कितने से कितने? बस फिर शाम को नहीं आता कभी भी, मतलब यहाँ पे सुबह से बस 1 बजे तक, बस शाम को नहीं आएगा। तो भाई ये है शहरों में, चंडीगढ़ में क्या होता है, सुबह 4-5 बजे आता है और 9 बजे तक रहता है, फिर शाम को 5 बजे आता है और रात के 9 बजे तक रहता है ना। ये भी क्या है, ये 24 आवर्स पानी नहीं मिलता पूरे इंडिया में कहीं। चलो अच्छा, ऑलराइट, बस लेट्स गो फ्रॉम हियर। ये दातन है? नहीं। अच्छा ठीक है, दातन भी करनी है भाई अभी, क्यों ब्रश करना छोड़ दिया मैंने। वाह यार, ये दूर से ही अच्छे भाई, दूर से ही अच्छे लगते हैं बर्फ़ के पहाड़, नहीं तो ठंड बहुत होती है इनमें। हेलो एवरीवन, तो यो भाइयों, घर में कर दिया पूरा धुआं ही धुआं, कि खाना ऐसा बनाओ कि 4 लोग बोलेंगे घर पर कुछ बन रहा है। तो भाइयों, मैंने कल से खाना नहीं खाया था, और कल वाले नवरात्र में मैंने सिर्फ फ्रूट खाए और सिर्फ क्या खाया था, दूध। आज मैंने फिर से बनाया अपना खाना, दही, रेड़ू, आलू की सब्जी और कुट्टू गट्टी की रोटी। तो पहले मैंने आज भी नहीं खाना था, तो मैं कहा चल खा लेते हैं, भूख लग रही है भाई, खाना खाने लगा हूँ मैं अपना, बहुत टेस्टी, खुद हाथ से बनाया हुआ खाना खाते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। बाय बाय। हेलो एवरीवन भाई, दोपहर के बज गए 3, तो लेट्स गो स्कूल, चलते हैं बच्चों को लेने, डे टू डे एक्टिविटी करते हैं कंटिन्यू। दिन अच्छा जा रहा है आज का, बहुत बहुत ज्ञान की बातें सीखी हैं, नक्षत्र के बारे में मैंने सीखा है आज, तो नक्षत्रों की बहुत अहमियत होती है जीवन में, तो अपनी कुंडलियाँ दिखाओ और नक्षत्रों को पहचानो किसका कौन सा नक्षत्र है। तो इस बात से हम बात ख़त्म करते हैं और चलते हैं बच्चों को लेकर आते हैं, फिर बाद में फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, जय शंकर के भाई, मेरी चोट दुख गई है, अथर्व आ गया है, चाय बन गई है हमारी। अच्छा अब कर ले, अथर्व आ गया है, अब करिए, कैमरा हटा दी यार, फिर हटा दिया दोनों बारी, ये कि कैमरा हट गया। अच्छा लास्ट अब अथर्व आ गया भाई, चाय आ गई हमारी, अब हम चाय पियेंगे, ब्लॉग एडिट नहीं है, ब्लॉग एडिट करते हैं। और तो ताड़ का भी तो बहन थी यार सर। ओके हेलो बॉयज, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, और सॉरी भाइयों गुड इवनिंग। ओ वाह, सूर्यदेव की किरणें मेरी फेस पे पड़ी हैं। हेलो गाइज भाई, हम उठ गए हैं, हम जा रहे हैं मार्केट दूध और पत्ती लेने, क्योंकि हमने रात को चाय बनाई। और राजा दशरथ जी जो आज के ब्लॉग में थे, वो ये रहे, राजा दशरथ जी का रोल इन्होंने किया है। ठीक है, अब हम मार्केट घूमने जा रहे हैं।
भाई ये रहा सूर्यदेव। तो हम दोनों जा रहे हैं मार्केट दूध और पत्ती लेके आने, क्योंकि आज हमने रामलीला में वादा किया सबको कि चाय पिलानी है सबको, जितने भी कलाकार हैं। तो बस वो लेने जा रहे हैं, और ग्राउंड का ही ग्राउंड मार रहा हूँ भाई। ग्राउंड दो दिन से बारिश हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आया नहीं इतने दिनों से ना, और आज ग्राउंड में आके बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा थर वही, ग्राउंड में आने का मकसद ये था मेरा कि मेरी जो लेफ़्ट साइड शोल्डर की जो पेन है वो ठीक नहीं हो रही है, और वो अभी भी ठीक नहीं है भाई। मैं अभी लटका ना, क्या स्ट्रेचिंग हुई तो फिर दर्द हुई, तो ये पेन बहुत बढ़ रही है यार, आई डोंट नो क्या होगा। तो ग्राउंड से इतने अलविदा, ग्राउंड में सिर्फ इसीलिए आया था, दो दिन पहले भी आया था पर बारिश के कारण हम आ नहीं पा रहे थे। थोड़े दिन रुक जाओ, एक दो दिन और, क्योंकि व्रत हैं तो ज़्यादा वो भी नहीं, वेट में नहीं मानना क्योंकि डाइट नहीं खा पाऊँगा, तो दूध बादाम तो चलो खा सकते हैं। मुद्दा ये है कि दर्द है, दर्द चेक करनी थी। तो अथर्व मेरा सबूत है ना दर्द, तो भाई दर्द बहुत हो रही है यार, पेन ठीक नहीं हो रही। मैं धूप ले लिया मैंने, क्योंकि धूप ख़त्म हो चुका है भाई। हमने सामान ले लिया अपना, और अब हम ले रहे हैं अपनी बर्फ़ी, फिर हम बर्फ़ी खाएंगे चुपचाप घर को जाएंगे, और आरती लगी है मंदिर में। आरती गाना, तो ये आरती तो है गाना। ओहो भाई यार मैं भाग कर आया क्यों, ये देखो वाओ, मैं नीचे से दिख गए एकदम ना, सूर्यदेव पड़ रहे थे इसका बिल्कुल पॉइंट पे, लेट हो गया अभी तो, पहले बहुत चमक रहे थे। बर्फ के पहाड़ और सूर्यदेव उस पे, क्या व्यू है यार। ये सब दौलादा रेंजेस है भाई। मैं पीछे आ गया कैमरे के जान के, क्या यार इसे जन्नत कहते हैं। और एक दो दिन में मैं फिर से टेंट लगाने वाला हूँ, एक दो रात टेंट में सोएंगे, रात को ठंड होती है पर फिर भी अच्छा दिन महसूस करते हैं। यही दौलादा रेंजेस मेरे दोस्तों, यही है दौलादा रेंजेस, और पीछे हनुमान जी की भक्ति चल रही है। जय श्री राम, बाद में मिलते हैं। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, चलो अच्छे नीचे चला। मस्ती में। ये देखो सूर्य देव जा चुके हैं, और उस तरफ बर्फ दिख रही है। तो ये सब आपका धर्मशाला मुकलोड़गंज है, ब्यूटीफुल। मैं और उधर पीछे बैठ के ब्लॉग एडिट कर रहे थे, क्योंकि 7 बजे मेरा ब्लॉग आ जाता है, 7 बजे की टाइमिंग है, तो थोड़ा लेट हो गया। कभी कभी 8 बजे लेट हो गया हूँ, फिर से ब्लॉग ही नहीं की ना सुबह से। एक दिन 10 बजे अच्छा भाई भाई, शाम हो गई है, और ये देखो तैयारियां चल पड़ी हैं रामलीला की। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ये देखो ये, और हमारे आज तुम कौन सा रोल है तेरा? भरत। तू क्या बन रहा है? शत्रुघ्न। आज मेरी ड्यूटी लगी है चाय बनाने में, तो आज हमने बनानी है चाय, इन सबको चाय पिलाएंगे, और शाम की शुरुआत करते हैं और रामलीला देखते हैं भाई। मेरे भाई तैयार हो गए, ये आराम से बच्चों, बच्चे छोटी उठाओ। उन्हें पीन लगे ने वन फ्रेम में मिट्टू भाई और साथ में सुमित्रा, बहुत हार इन वन फ्रेम। मिट्टू बेटा देखो ले भाई, राम ले वाली चाय से चलती है।